उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस के बेटे युवराज हंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वायरल वीडियो में युवराज एक दुकान में खड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ लोग और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान में मौजूद एक शख्स से बात करते हुए अचानक युवराज उसे धक्का देने लगते हैं। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करने आ जाते हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ, ये घटना सीसीटीवी में कैद नहीं हुई है, लेकिन लगातार कुछ मीडिया चैनल्स खबर चला रहे हैं कि एक और पंजाबी गायक के साथ मारपीट हुई है, लेकिन सच क्या है वो इस वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है। वायरल वीडियो जलंधर का बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक युवराज हंस दुकान पर जिस शख्स से भिड़े हैं उसका नाम राजेश है, जो दुकान पर काम करता है। पीड़ित का कहना है कि उसकी दुकान पर युवराज हंस प्रेशर पंप खरीदने आए थे। इस दौरान जब मैं पंप की जानकारी पंजाबी अभिनेता को दे ही रहा था कि अचानक मुझे फोन आ गया। इसके तुरंत बाद युवराज मेरे पर भड़क गए और बोलने लगे कि ये बंदर इंसान ये हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी इन बातों का जब मैंने विरोध किया तो वो मुझे पीटने पर उतर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल युवराज हंस ने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर नहीं दी है, लेकिन वायरल वीडियो को देखकर यही लगता है कि बीजेपी सांसद के बेटे राजनीतिक पावर के सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। वही मीडिया का एक बड़ा धड़ा भी उन्हें ही अब पीड़ित बताने पर जुट गया है और एक दुकान पर काम करने वाले शख्स पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।